अब समय आ गया है हमारे एक्सपर्ट से बातचीत करने का कि आप किस तरह सेहतमंद रह सकते हैं, हाउ टू रिमेन हेल्दी एंड मोर इम्पोर्टेंटली हाउ टू डू इट राइट। आइए लेट्स टॉक। कोपल गौर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है कैन प्रेजेंट सेहत की रसोई। हमारे रोजमर्रा के खाने पीने में हम वो क्या ट्वीकिंग कर सकते हैं, क्या हैक्स कर सकते हैं या क्या ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे हमारा खाना और स्वादिष्ट तो बने बट और सेहतमंद बने, न्यूट्रिशियस बने, पौष्टिक बने। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर आप हमारा जैसे हिंदुस्तानियों की जो हमारी खाने की प्लेट आप देखो, उसमें बड़ी सारी छोटी कटोरियाँ होती हैं और खूब सारे चावल होते हैं, तीन चार रोटियाँ होती हैं। अब आप अगर उसको इंस्टेंटली देखो, जो नहीं भी जानता है तो आपको आराम से पता है कि इसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपको सब्जियाँ और जो दाल है वो कितनी थोड़ी है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, जो आपकी कटोरियाँ हैं उनका साइज़ बदल दो। अच्छा, आप अपनी सब्जी बढ़ा दीजिए, आप अपनी दाल बढ़ा दो, सैलेड का जो प्लेट है मतलब वो थोड़ा और बड़ा कर दो। ऑटोमेटिकली अगर आप सब्जी ज़्यादा खा रहे हो, दाल ज़्यादा खा रहे हो और सलाद खा रहे हो तो रोटी आप कम खाओगे। सब्जियों में पौष्टिकता होती है, हैवीनेस नहीं लगेगी, जो आप हम लोग को कई बार हैवीनेस और टायर्डनेस जो लगती है, और पेट भी आपका काफ़ी देर तक भरा रहेगा क्योंकि फाइबर जो होता है वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, तो आपको काफ़ी देर तक फुल लगेगा। ये नहीं है कि आप इमीडिएटली कुछ खाने के लिए भागोगे, तो ये आप एकदम से करके दें। ये तो भी घर में जो लोग हैं उनके खाने पीने की बात, घर के चेंजेस, उनका क्या हुआ जो रोज ऑफिस जाते हैं। टिफिन भी हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगेन टिफिन में भी जो आप अगर पैकिंग कर रहे हो, रोटी चावल का बड़े डब्बे होते हैं, मैं कह रही हूँ सारे डब्बे एक साइज के कर दो और एक आध डब्बा बढ़ा दो, दो सब्जियां कर दो, दाल कर दो, सैलेड ले लो। थोड़ा सा अगर आप इतना ही ध्यान दें कि आप एक दो चीज़ें आप अपने टिफिन में भी इंक्लूड कर लेंगे, नहीं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि भाई मीटिंग है अब हम हैवी खा लेंगे, भाई मीटिंग पहले निपटा लो, खाना बाद में खाना है, क्योंकि उनको हैवीनेस लगती है। पर अगर आप इस तरह से खाना लोगे जिसमें आपके ग्रेन्स कम होंगे, जो मैं चावल रोटी की बात बार बार बोल रही हूँ कि उसको कम करके सब्जियों पे, दालों पे, सलाद पे अगर आप फोकस करो। कोपल, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो बहुत फख्र से कहते हैं कि हमने सुबह तो नाश्ता नहीं किया और 11 बजे भी कुछ नहीं खाया, अब हम लंच में इतनी सारी रोटियाँ और इतना सारा चावल और सब्जी अच्छे से खाएंगे। ओह माय गॉड, साइज ऑफ मील का कुछ तो रेलेवेंस होगा या नहीं? पोर्शन साइज बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो पोर्शन साइज होता है वो हमारी फिस्ट के बराबर का होता है। अच्छा, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आपने इतनी सब्जी, इतनी दाल और इसके डबल क्वांटिटी में आप अगर सलाद ले लो, उसके बाद आप अपना चाहे आप रोटी उसके साथ ऐड करो या आप राइस ऐड करो, तो आपके पोर्शंस बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा। लोगों को ये नहीं पता चलता कि जी हमारा पोर्शन कम कैसे होना चाहिए, तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये एक पोर्शन है। अच्छा, ये आपका एक पोर्शन है, सबकी मुट्ठी का साइज अलग होता है, तो उससे आपको पोर्शन साइज का अंदाजा हो जाएगा। तो आप अगर हर टाइम पे राइट पोर्शन लेंगे तो पौष्टिकता आप देखो बढ़ जाएगी। पौष्टिकता बढ़ने से क्या होता है, लाइटनेस आ जाती है, लेथार्जी खत्म हो जाती है जी, क्विक आपका रिस्पॉन्स होता है हर चीज में। तो मेन आपने इसी बात पे फोकस करना है कि आप कटोरियों पे ध्यान दो। अच्छा। जो छोटी छोटी कटोरियां हैं उनको जरा हटा के थोड़ी बड़ी कटोरियों में दाल और सब्जी परोसना शुरू करें और आप देखें जी। तो अगर आपका पोर्शन साइज ठीक होगा तो आपके पंच में भी अच्छा फोर्स होगा। डेफिनेटली, इट्स अ फिस्ट इफेक्ट, डेफिनेटली। ब्राउन राइस की खिचड़ी बन सकती है, राइस की खिचड़ी बन सकती है, तो ओट्स की खिचड़ी पीछे रह जाए। तो ये मैंने ओट्स की खिचड़ी बनाई और इसमें भी मैंने टोटल फ्यूजन किया है।